नमस्कार। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ क्रोशे का डिज़ाइन, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ये मैं पहला डिज़ाइन दिखा रही हूँ, थालपोस है। ये देखिए, ये देखिए, ये छोटे बड़े सभी थाली के ऊपर ढाका जा सकता है। देख लीजिए आपको अगर पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और ये रहा दूसरा डिज़ाइन, जिसको मैंने मोती में डाल के बनाया है। ये देखिए फ्रेंड, ये मोती में डाल के आप पर्दे भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके कह सकते हैं हमको। ये भी छोटे और बड़े सब थाली के लिए फिट है। और एक ये देखिए, ये रंग बिरंगा पर्दा है। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने क्रोशिया से फ्लावर बना करके इसमें टाका है। ये देखिए फ्रेंड, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, मेरे पास कुछ पुराना ऊन रखा था, मैं उसी ऊन का ये बनाई हूँ, जिसमें ये देखिए डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं, वो फ्लावर मैंने इसमें डाला है। और भी मैंने बहुत सारे सैंपल पर्दा बनाई हुई हैं, वो सब दिखाऊंगी आपको। अब ये छोटी सी भेंट, और ये देखिए एक टेबल फैन कवर है। ये देखिए, इसमें भी मैंने एक छोटा सा फ्लावर बना के डाली हूँ। ये धागे का बना है फ्रेंड, और इसके पीछे देखिए अलग से मैंने ये बना के इसके पीछे मैंने जोड़ा है, ताकि फैन में गंदा ना लगे। और ये डोरी, ये डोरी ऐसे लगा के, ये देखिए फ्रेंड, ये डोरी इस तरह लगा करके पर्दे इस पंखे में डाल के और स्टोरी को ऐसे यूं खींच देंगे। ये देखिए, तो ये इस तरह हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड। और ये साइड से मैंने झालर के रूप में एक क्रोशिया से ही मैंने एक डिजाइन बनाई है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी बाद में। ये देख लीजिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके इसके बारे में भी कहिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। अब जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं आपको एक फ्लावर बताऊंगी क्रोशिए से, तो ये देखिए एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, और एक फ्लावर ये है। तो मित्रों, आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बताऊंगी। आप इसे देखिए और समझिए। इसके लिए मुझे ये क्रोशिया की जरूरत है, और ये ऊन, ये दो रंग के ऊन चाहिए, और सुई धागा, और ये कैंची की जरूरत है। मैंने इसको बनाने के लिए ये 13 नंबर की क्रोशे ली है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, साइड में रखती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, एक चैन, दो चैन, तीन चैन, चार चैन, और ये रहा पांच चैन। अब ये जो फर्स्ट में शुरू किया था मैंने, उसी चैन में डालूंगी क्रोशे को और निकालूंगी। इस तरह गोलाई दे दिया मैंने। अब इसमें फर्स्ट रो शुरू करूंगी बिना फंदा लिए हुए, इस दो का एक करूंगी फ्रेंड।
उसमें ऐसे ही पूरा बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए इसमें फंदा नहीं लेना है, चार पांच छः सात आठ नौ दस। अच्छी तरह से इसमें डाल के हमें घना करके पूरे बना लेना है। ये हमारा फर्स्ट रो चल रहा है। आप चाहे तो इसमें दूसरा कलर भी डाल सकते हैं, ये मैं इसमें दूसरा कलर डालूंगी। ये हमारा हो गया फ्रेंड, अब मैं इसमें दूसरा कलर डालती हूँ। इसको कट करना पड़ेगा। इसमें रेड डाल देती हूँ, रेड ही डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसमें एक गांठ डाल दूंगी और इसमें चार चेन ले लूंगी, वन टू थ्री एंड फोर। चार चेन लेने के बाद ये देखिए फ्रेंड, वन टू, दो फंदा लेंगे और इसमें डालेंगे, अगेन इसको निकालेंगे, फिर इसमें दो फंदा डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर अगेन निकालेंगे, फिर दो फंदा डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब ये हो गया। अब ये सारे को तीन एक एक फंदा गिराते हुए ऐसे निकालेंगे। एक सेकेंड कट करो, चलो। हाँ तो फ्रेंड, मैं जो थोड़ा बनाई थी वो थोड़ा हमसे ख़राब हो गया था, तो मैं उसे खोल के अगेन फिर से कर रही हूँ। तो आप ध्यान दें, ये मैंने चार चेन ले लिए, फिर से उसमें डाला है फर्स्ट वाले में, एक दो तीन, आप देखिए चार, ये हो गया मेरा फ्रेंड। अब मैं इसे एक बार और, हो गया फाइव, पूरे को एक साथ निकालूंगी, वापस से दो लाऊंगी और उसको दो से एक करना है। देख लीजिए फ्रेंड, फिर मैं पांच फाइव चेन दूंगी, वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन मैं फिर उसी में डालूंगी बिना फंदा लिए हुए। ये देखिए फ्रेंड, देख लिया, फिर से बिना चेन लिए हुए मैं दूसरे इसमें डालूंगी। ये देखिए आप, इस वाले में, ये देखिए फ्रेंड, मैं फिर चार फंदे डालूंगी, वन टू थ्री एंड फोर, फिर एक फंदा लेकर के फिर उसी में डालूंगी, वन टू लेकर के जितना ऊपर खींचना है खींचूंगी, थ्री फोर एंड लास्ट फाइव। ये देखिए फ्रेंड, हो गया। अब फिर मैं फंदा लेते हुए सबको घटाते हुए दो लेके आऊंगी, अगेन फिर उसको दो का एक करूंगी। देखिए बहुत इजी है फ्रेंड। फिर मैं
चार फंदे लूंगी, वन। तो फ्रेंड देखा आपने, मेरे ये दो फ्लावर बन गए। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। फिर देखिए, फिर दूसरे वाले में मैं ऐसे लूंगी और फिर चैन, ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा हमारा फूल निखर के निकल गया। देखिए चार पांच, ये हमारा पांच फाइव हो गया। फिर हम फाइव बार, थ्री फोर फाइव फाइव, ये देखिए फ्रेंड। फिर वही चैन लेना होगा, फिर से मुझे उसी में डालना है ताकि हमारा डिजाइन खुल के आए। फिर मैं चार फंदे लूंगी, ये देखिए फ्रेंड, वन टू फोर एंड फाइव। बन रहा है हमारा टू थ्री फोर तक हो गया। देखिए फ्रेंड मैं अब यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। आप कमेंट करके कहिएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। फिर से वही दो तीन चार, बस एक दो, देख लीजिए फ्रेंड ये बन गया। मैं मेरा एक फ्लावर फ्रेंड, आप देखिए जो ये बचा हुआ धागा है उसको मैं पीछे ले जा करके पीछे से निकाल के, ये देखिए फ्रेंड, बस इसको निकाल देंगे, ये हो गया। आप चाहे तो इसमें एक डिजाइनर शीशा भी लगा सकते हैं या मोती डाल सकते हैं। ये देखिए बेहद खूबसूरत। ये देखिए फ्रेंड मैंने आज एक छोटा सा फ्लावर बनाया और इसके बीच में एक मोती डाला। एक गोल वाली जो शीशा आती है वो शीशे भी डाल के उसके ऊपर डिजाइन डाल देने से डिजाइनर शीशा हो जाता है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।